हेलो दोस्तों, गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं मिस्टर मीट 2 का नया अपडेट घोष मोड के अंदर, और आज हम इसके अंदर भाई करने वाले हेलीकॉप्टर एंडिंग, जिसके अंदर भाई रेबेका सबको बचा लेगी और होपफुली यहाँ से निकल जाएगी। तो चलिए से यार चलते हैं, शुरू करते हैं इस एंडिंग को, और आपको मैं फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। फिर हार्ड मोड का फेस कैम के साथ एक तगड़ा सा गेम प्ले भी लाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दो। तो सबसे पहले हमने अपने सारे पिक्स रिलेटिव्स को करना है ट्रांसफॉर्म, हमें बनाना है एंटीडोट जो हमने देखा था टीजर में। ओके, तो हमारी एंडिंग यहीं से स्टार्ट होती है। और सबसे पहले भाई मुझे वापस से कंट्रोल चाहिए, भाई मुझे दिख नहीं रहा था। चलो ठीक है, अब चलते हम जल्दी से सबसे पहले ऊपर, और जो सबसे पहले हमें काम करना होता है मिस्टर मीट के अंदर, जैसे कि हमारे ईविल हन के अंदर हमें केबल चाहिए होती है, मिस्टर मीट 2 के अंदर हमें उस पिक से कार्ड लाना होता है अपनी ये शॉटगन, उसे छुआ के, और उसके बाद तो आपको पता ही वो बेचारे का क्या हाल होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब हमने इसके पीछे लगा दिए अब गन, और इसके आगे तक मच गई है सुरसुरी, और उसके बाद हमने यहाँ पे लगा गया है, और अब हम चलते हैं आगे। और यहाँ पे हमारा कुछ नई जगह तो आई नहीं है, तो सबसे पहले हम चलते भाई अपने एंड्रू चचा के पास, क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है कि एंड्रू चचा के पास जाके उन्हें बताओ कि भैया हमें यहाँ से निकलना है, और वो तो बस हमला बैठे रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नई जगह दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारी होने वाली हेलीकॉप्टर वाली एंडिंग, जो कि हमें क्रेजी लीगर ने पहले लीक कर दी थी, और उसके बाद प्लेन वाली वीडियो हटवा दी थी, बट उसके अंदर यही थी जगह। और यहाँ से निकलना है, और हमें पता चल चुका है यहाँ से निकलना है, और हमें ये वाला प्लान बनाना है अपने एंड्रयू को। तो अब चलते हैं सबसे पहले एंड्रयू के पास, लेकिन मैं आपको पहले ऊपर दिखाने लेके आ गया कि भाई कितना सही लग रहा है, हम यहाँ से निकलेंगे एकदम एपिक एंडिंग के अंदर। तो देखते भाई ईविलन की एपिक एंडिंग से कितना मैच करती है, या ईविलन अलग ही गेम है या उससे बीट कर पाता है। तो सबसे पहले हम इससे बात करते, रुकेगा हमें यहाँ से निकलना होगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे काम तुम्हें करने होंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर छुपा रहूँगा। ये यार बता रहा हूँ, किसी दिन बहुत ही मारूंगा इसे पकड़ के, मतलब कुछ काम धंधे करता है नहीं, और अपना क्रेडिट ले ले कि मिस्टर मीट को मैंने पकड़ा था। इसे हमें पता है इसने कैसे पकड़ा था मिस्टर मीट को, हमने उसे बेहोश करा था उसके बाद इसने पकड़ा था, और वैसे अपने आपको इतना क्रेडिट देता रहेगा, एक मुंह पे लात मारी तो फिर नीचे गिर जाएगा, दोबारा उठेगा नहीं, क्या करे। लेकिन ये इसकी थोड़ी इज्जत करनी पड़ती है, पुलिस वाला पता चला हम ये अंदर कर दिए तो थोड़ी बहुत इज्जत करनी पड़ती है, वरना मैं इसकी इज्जत करूँ कभी नहीं। चलो अब यहाँ से हमने अपना सारा प्लान बता चुके हैं, तो अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि हमारे नीचे वाला एरिया खुलने वाला था, एंड जल्दी से यहाँ से चलते हैं नीचे। और नीचे हमारा होने वाला टेरी दी इडियट। ओके, ये रहा हमारा टेरी चचा, इधर दो बेटा ये। ओके, घोष मोड के अंदर तो मैं ऐसे ले पा रहा हूँ, वरना आपको से पहले शॉक करना होगा, उसके बाद ये नीचे गिराएगा, और वैसे ऐसा आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि टीजर के अंदर हमने जो देखा था वही हम करेंगे, इस वाले एरिया को खोलने वाले हैं। और ये हमारा हो चुका है एरिया ओपन, और यहाँ पे हमारे एक वो बंदा था, और यहाँ पे ये तो भाई खतरनाक, भले ही सबसे मैक्स सिक्योरिटी यहाँ पे सबसे खतरनाक प्रिजनर को रखा जाता है। और ये क्या कह रहा है, हाँ ये रहा, हेलो हेलो यार, आप मुझे काम धंधा चाहिए भाई, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे प्रिजनर। ओके, तो इसने हमारे लिए कुछ हेल्प करने के लिए गया है। ओके, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट देने वाला, और हमसे पूछा हम यहाँ पे क्यों आए, माइंड योर ओन बिजनेस ब्रो। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, इन्हें बहुत खतरनाक चीज स्टोलन करी, तो हमें पता नहीं क्या देगा। जल्दी दे भाई, उसके बदले में तुझे बहुत सारी चीजें दूंगा, जल्दी दो। ओके, तो हमने इसे दे चुका है टेरी का हुक, टेरी का नकली हाथ, और हमें टेरी का नकली हाथ लेके जाना है नीचे, क्योंकि हमें टेरी का रूम देखना है, और वो है हमारा नीचे, क्योंकि वो हमेशा नीचे ही घूमता है, तो उसका रूम भी नीचे ही होगा। कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस। ओके, तो हमें चलना है जल्दी से टेरी के रूम में, और टेरी ये रहा, हेलो भाई तेरा रूम का है भाई, मैं तेरे से ढूंढ रहा हूँ, मैं ये भूल भुलैया लग रही है भाई, शुरू में कोई भी नहीं जगह घूमू, भूल भुलैया से लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पूरी एकदम याद हो जाती है उसके रूट्स। ओके, कहाँ है टेरी का रूम, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, ये रहा हमारा टेरी का रूम, अब हमें जल्दी से खोलना, और देखो भाई ये मरम्मत मत करो, चाइना का माल लगाते रहो तो यही होगा, नुकसान होगा ना, इसलिए गाइस कहते हैं चाइना का माल इज इक्वल टू खराब। ओके, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई कटसीन वस्टीन नहीं है भाई, कटसीन देखना है भाई मुझे, एपिक स्टोरी कटसीन, सिर्फ आइसक्रीम में होते हैं क्या स्टोरी कटसीन, मिस्टर मीट में तो है ही नहीं। ओके, ये हमारा क्या है, टॉन टेडी बियर। ओके, तो हमें इसे सिलना पड़ेगा, अब हम टेलर बनेंगे इस गेम के अंदर, सब बना दो, सारे काम करवा दो जिंदगी में जो भी है, क्योंकि ये तो काम धंधा है हमारे पास। अब हमें इसके लिए कुछ लानी पड़ेगी, क्या लाना है हमें। ओके, हमें अभी भी प्लान एंड्रयू को बताना, बता तो दिया, और इसके अंदर हमारी फालतू बात लिखी हुई है जो कि मैं नहीं पढ़ने वाला, खुद पढ़ लो पॉज करके, थोड़ी खुद भी मेहनत कर लिया करो। हाँ, तो यहाँ पे कुछ है,
ओके यहाँ पे हमारी स्विंग मशीन है जो इससे हम स्विंग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्विंगिंग नहीं करने वाला हूँ, स्विंग करना जो भी है भाई मैं अभी वो नहीं करने वाला, सिलाई विलाई का काम जब कहेगा गेम जब करूँगा। तो अभी मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ क्योंकि मुझे अंदर की जगह तो याद नहीं रहेगी, ये बाहर के पॉइंट मुझे याद रहेंगे। तो इट्स बिग ब्रेन गाइज। ओके तो हमें यहाँ पे यार कुछ और चीज़ भी ढूंढनी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे मैं आया तो ओके ये रहा, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे हमारी ये हमारा शायद मिस्टर मीट का रूम था और ये मैक्स सिक्योरिटी भी ले रखा गया था क्योंकि भाई वो सबसे खतरनाक था, वन ऑफ द खतरनाक क्रिमिनल था वो उसका। और ये हमें लैब की मिल चुकी है क्योंकि नीचे एक हमारी एक लैब है जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर हम लगाएगी और इसके अंदर घुस जाएंगे। और ये हमारा आइसक्रीम फाइव की तरह ही है, यहाँ पे वही डॉक्टर वाइट काम करेगा जैसे कि वो माइक करता था काम, मतलब गेम के अंदर कॉन्सेप्ट वही है, वो थोड़ा सा अलग कर दिया गया है भाई, पजल्स में सारा कॉन्सेप्ट वही है। अब हमें यहाँ के इसे कुछ चीज़ें ला के देनी होगी और ये कुछ एंटीडोट बनाएगा मिस्टर मीट वन की तरह, मतलब कुछ भी नई थिंग नहीं आ रही, मतलब कुछ समझ रहे हो ना तुम लोग, सब पुराना कॉन्सेप्ट ही उठा के वही पजल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ला देते हैं। ओके तो अभी हमें सेव भी भाई सेव तो करूँगा तो मेरे साथ आ, तो अब हमें इसके अंदर फर्स्ट आंसर लगाना है वही वाला है, ये लेजर चार्ली वाला आइसक्रीम वाला कॉन्सेप्ट की हमें वो करना है। हमें तीन चार चॉइस दिए जाएंगे उसमें का थर्ड ऑप्शन, ओके यही होगा, ऑप्शन के अलावा तो होगा नहीं। ओके मिस्टर मीट बैड है मुझे ये पता है। अब इसकी भाई बहुत ज़्यादा फट रही है तो हम इसे थोड़ा सा वो दिखाएंगे कि भाई हम वहाँ पे हमने लॉक वॉक लगा रखा है तो इसलिए अब हम फर्स्ट ऑप्शन फिर से चूज़ करेंगे, मतलब वही हमारा आइसक्रीम वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे भी उठा के डाल दिया है, मतलब अभी भी कोई न्यू पजल नहीं है। ओके ब्रो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ ब्रो जल्दी से, और ये बहुत ही स्लो आ रहा है बिल्कुल एंड्रयू की तरह। यार तू भी एंड्रयू है यार, डॉक्टर वाइट यार तुझसे उम्मीद नहीं थी, उसे लेके आओ डॉक्टर वाइट को जैसा हम मिस्टर मीट वन में लेके जाते थे, इसमें उसमें वो इंसान था इसमें वो कुछ जानवर है। जल्दी आ जाओ ब्रो यहीं से हमें जाना, देखो मैंने तो एक रास्ता बना रखा खून वाला और ये यहाँ से निकलने के बाद आता मुझे ऐसी याद होगी यहाँ का रास्ता। अब हमें इसे जल्दी से यहाँ के अंदर लेके जाएंगे और फिर ये अपना एंटीडोट बनाना शुरू करे और हमें इंग्रीडियंट बताएगा बहुत एपिक एपिक से आई गेस। ये हमें ये मुझे ये ला के दो, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। ओके ये हमारा आ चुका और यहाँ पे लग चुका है फिर से हमारा खतरनाक काम में, क्योंकि ये है बहुत खतरनाक साइंटिस्ट। ओके भाई, ओके भाई अब ये प्लानिंग कर रहा है भाई क्या लाना है मुझे। ओके तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि भाई अभी भी प्लान बनाना है भाई, कितना बार प्लान बताऊँ मैं उसे एक और बार प्लान बता के आता हूँ एक बार। ओके तो हम मुझे चाहिए सबसे पहले स्विंग किट, क्योंकि अब मैंने प्लान बताया तो उसके बाद आ रहा है स्विंग किट चाहिए, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं। ओके ये रहा हमारा लाइब्रेरी का पास, इसे हम जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं काम आएगा, इसे बाहर फेंक दो ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे अंदर के रास्ते तो कभी याद रहेंगे नहीं ज़िंदगी में, तो इसे बाहर फेंक देंगे। और उसके बाद हमारी स्विंग मशीन को लेते हैं हम, ये रही देखो ये रही हमारी मशीन। ओके कहाँ गई, ओके ये रही, इसे हम जल्दी से ले लेते हैं। और भाई उठ जा, हाँ उठ गई, अब इसे हम लेके जाएंगे जल्दी से खून खराबे से टैरी के रूम में। ओके अब यहाँ पे हम इसे सिलेंगे बिना कुछ खोले कुछ करा नहीं, बस हाथ लगा दिया भाई अपने आप से ही हो जाएगा बिकॉज हम तो मैजिशियंस हैं जादूगर। ओके तो आप हमें इसे लेके जाना है कहाँ पे लेके जाना है, हमें इसे लेके जाना है प्रिजनर के पास, उसे टैडी से खेलना पसंद है भाई क्या यार, तुझे तो मैं खतरनाक आदमी समझ रहा, तू अभी इसे खेलना चल कोई ना भाई, अब मुझे रेड पोशन दे दे एक मुझे काम आ जाएगा। और भाई कितना खतरनाक वाला चोर नहीं दिख रहा, लाइक लिटरली इसने एक चीज़ फिर से चुरा ली मिस्टर मीट से, भाई खतरनाक वाला चोर है। हाँ वैसे इसलिए इसे यहाँ पे डाला गया, खतरनाक चोर है पता है, कोई साइड से निकला गायब हर चीज़ वो कह रहा बंदा गायब। ओके ने मिस्टर मीट से भी चुरा ली, मतलब भी बहुत खतरनाक है भाई, स्कैम भाई बिग स्कैम। ओके दे दिया भाई, मुझे लगा स्कैम करके चला गया, कह रहा टैडी मिल गया अब तेरी क्या जरूरत जस्ट गेट लॉस्ट, लेकिन ऐसा नहीं करा ये बहुत ज़्यादा लॉयल आदमी था। ओके हमें यहाँ जाना और लाल हो चुका है, हमें एक और इंग्रेडिएंट चाहिए तो उस इंग्रेडिएंट के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा लाइब्रेरी पास के पास, मतलब लाइब्रेरी रूम में जाना है उसके लिए पास चाहिए होगा, पास आप लोगों को पता ही मुझे पहले मिल चुका था, तो पास लेके चलते हैं हम जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर और उसके अंदर भी कुछ हज़ार पजल होंगे उसके बाद ही हमें कुछ मिलेगा वहाँ से खतरनाक। तो भाई ये दो हमें जल्दी से और लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं, लाइब्रेरी पता नहीं कहाँ है। ओके भाई मैं पूरी इतनी देर से ढूंढ रहा लाइब्रेरी नहीं मिल ही नहीं रही भाई, कहाँ है लाइब्रेरी, ये बंद हो गया हमारा। ओके ये रही हमारी लाइब्रेरी, खुल जा भाई सिम सिम। ओके अच्छा हमें यहाँ पर लगाना है, ओके ऐसे नहीं खुलेगा। ओके यहाँ पे हम आ चुके और यहाँ पे अब लिखवा रहे मेमो, अब मेमो कहाँ से मिलेगा भाई, यहाँ पे क्या करना है मुझे, बुकें पढ़नी है मैं भाई, यहाँ गेम खेलना है मुझे, फिर से पढ़ाई में लगा दोगे, नहीं भाई मैं नहीं पढ़ने वाला ये फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं। ओके तो आप मुझे यार मेमो चाहिए, मेमो पता नहीं। ओके ये हमारी नई जगह है भाई, यार कितने लोगों से काम करा रही है, हमारी मेमो है और ये हमारा कोड है उसकी तरह, ईवन लन का जो हमारा पजल था ना उसके अंदर हमें ऐसे करना, तो इसमें भी कुछ ऐसे करना होगा लाइक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे ढूंढना है, तो ये हमारा आउल है, तो यहाँ पे तो मुझे आउल कहीं दिखा ही नहीं, तो मैं दूसरी बुकों में जाके देखता हूँ। कैंडल, ओके कैंडल है हमारी एफ, तो हमारा थर्ड कोड हो गया एफ। ओके यहाँ पे तो कुछ है नहीं काम का। ओके आउल हो गया हमारा ए, तो हमारा हो गया ए पता नहीं, एफ पता नहीं। ओके
ए पता नहीं, एफ पता नहीं। ओके, ये हमारा टाइम हो गया एफ, ए डबल एफ हो गया हमारा कोड। उसके बाद क्या है हमारा कोड? ओके, उसके बाद हमारा डी, तो ए डबल एफ डी हो गया हमारा कोड। तो आपको गाइस ऐसे कोड निकालना है, बहुत सारे लोगों का अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह बता दिए मैंने आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके। अब हम इसे जल्दी से लेकर चलते हैं ऊपर जहाँ पे हमारा वो था। हाँ, और ये है हमारा उसका वार्डन का रूम, जज कह सकते हो एक टाइप से यहाँ का वार्डन। ओके, ए डबल एफ, हाँ, और यहाँ पे लगाना हमें डी। लेट्स गो, हमारा खुल चुका। और ये देखो, इसे ही भाई बना दिया भाई भाई इसके कपड़े भी फिट नहीं आ रहे, क्या होगा। ओके, सैंडल मिल चुकी है और हमें वही मिनी गेम करना है, पिक 13 वाला, जो कि हमें टीजर में दिखाया गया था। ओके, अब मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इस गेम को, तो हम इसे लेके जाना है पिक 13 के पास, वो मिलेगा हमेशा नीचे। और अब तो हम घुस मोड में खेलने तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वैसे वो हमें पहले मारेगा कि भाई तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे ऐसे, दो रैपर इतने तेज मारूंगा वो कहेगा उस टाइम, बट अभी तो कुछ कहेगा नहीं हमें। तो अब जल्दी से लेके चलते हैं उसके पास, ये वाली हमारी खतरनाक सी ये सैडल उसके लिए जो बनाई गई है। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके पिक 13 पर और इसे हम जल्दी से पहनाते हैं सैडल और उसके ऊपर करते हैं। और मैं थोड़ा सा देखते वाला हूँ उस गेम के अंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं सही कर पाऊंगा। ओके भाई, मैं इसे 15 बार कर चुका हूँ, इस बेचारे को मैंने बहुत मारा। तो हमें ये ले रहे हैं और इसके अंदर से पता नहीं क्या करना है। तो हमने एक खिला चुके हैं, दूसरा खिला चुके हैं, तीसरा कहाँ है भाई, तीसरा ये रहा, तीसरा खिला चुके हैं, चौथा हमारा ये रहा, चौथे खिला चुके हैं। यहाँ से मुड़ो जल्दी से ये, और इधर से मुड़ो ये, क्योंकि इधर भी हम खिला चुके हैं इसे, अब इधर। ओके, और सामने हमारा एक और आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो गया कहाँ कहाँ पर है। ओके, गेट पर है, गेट पर पता नहीं भिड़ जाता है, लेकिन अब नहीं भिड़ा ये। ओके, तीन हमारे पता नहीं कहाँ पर है भाई, तीन। ओके, हेलो, वापस घूम के आ चुका हूँ। ओके, ये गियर हमारा 7 हो चुका है, और हमें 8th वाला पता नहीं कहाँ मिलेगा यार, 8th वाला जल्दी दिख जाए यार। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ से आगे जैसे हमें मिल चुका है एक और। ओके, 8th पर ही हो गया, व्हाट, मेडी खिलाने थे इसे, व्हाट, इजी पड़ गया यार ये तो, हमें जल्दी मिल गया लगता है। अब हमें इसे लेके जाना है, जैसे कि हम मिस्टर मीट के अंदर हमें लेके जाते हैं और उसके अंदर हमें ये मिला देना है, पता नहीं क्यों मिलाते हैं। जल्दी से चलते हैं और यहाँ से हम अंदर चलते हैं, और हमारे बस 2 न्यूट्रिएंट चाहिए थे इस बार, 3 नहीं, मतलब इस बार ये गेम वाले हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं फाइनली। ओके, अब हमें इसे भरने के लिए भी कुछ लाना है भाई, क्या होगा इसका मतलब भरने के लिए भी, भाई ग्लास व्लास रखा करो ना अपने पास, भरने के लिए भी, लगाने के लिए भी हमें लगाना पड़ेगा, हर चीज़ हम ही लाएँ मतलब, ठीक है भाई। और यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा वो है मेडिकल वाला एरिया। ओके, ये रहा हमारे सीनेज। ओके, सीरीज लेके चलते हैं और हम इसके अंदर भर के सबको इंजेक्शन लगाएंगे, और फिर होगा इंजेक्शन, इंजेक्शन होगी बहुत दर्द। ओके, ज़्यादा मजाक का साइड। ओके, हाँ, यहाँ पे लेके जाते हैं और हम फेंक के देखते हैं मैं इसे एक बार। ओके, व्हाट, ये टूट गया, वाओ, फिजिक्स भाई, न्यूटन पापा को कैसे याद कर लिया ये गेम वालों ने भाई, क्योंकि न्यूटन और गेम की भाई बहुत दुश्मनी होती है आपस में। पहली बार मैं देख रहा हूँ फिजिक्स काम कर रही है कोई कोई गेमों के अंदर, वरना फिजिक्स और गेम की बहुत बड़ी दुश्मनी होती है, क्योंकि गेम डेवलपर वही होते हैं जो फिजिक्स में भाई फेल होते हैं और कहते हैं न्यूटन बाबा को मैं ही मारता, न्यूटन बाबा के दुश्मन। ओके, अब हमें यहाँ पे मिल चुकी है और इंजेक्शन हमें लगाना है सबको, तो मैं सबको लगाता हूँ जल्दी से इंजेक्शन, और फिर सब मज़ा आएगा और उसके बाद सब सही हो जाएंगे, फिर हम यहाँ से खुशी खुशी निकल जाएंगे। ये है, लेकिन मिस्टर मीट कुछ करे ना, बट ओके, तो हमने सबको लगा चुके हैं और अब हमें ये कह रहा है कि हमें प्रिजन की चाहिए होगी, तो जल्दी से चलते हैं और हमें अभी से वहाँ पे लेके जाना है हमारे कम्युनिकेशन वाले रूम के अंदर, जो कि हमारा होने वाला है नीचे कम्युनिकेशन वाला रूम। तो जल्दी से चलते हैं हम कम्युनिकेशन वाले रूम के अंदर। तो कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, हाँ ये रहा, यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे हमें लगानी है एक वायर, और वायर मुझे पता है कहाँ पे मिली थी, क्योंकि जब मैं नीचे घूम रहा था तो मुझे वायर मिली थी, मुझे याद नहीं आ रही यार पता नहीं कहाँ पे मैंने देखी थी, लेकिन गेम प्ले के अंदर गेम। ओके, तो गाइस आफ्टर 5 आवर्स, क्योंकि भाई मुझे कहीं नहीं मिल रही, लिटरली मैं भूल गया, मुझे याद है मैंने कहीं ना कहीं देखी थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रही, और नीचे का रास्ता मुझे याद नहीं है, और मैं डोर हैंडल लेके घूम रहा लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं डोर यार, यहाँ मैंने यहाँ पे क्यों नहीं देखी, यहीं पे तो थी। और मैं कहता आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस गेम के अंदर क्या हो रहा है, देखो बीच बीच में क्या होता है, जैसे नेट ऑन करो ये आ जाता है मिस्टर मीट, और ये फिर जाता है और फिर ऐड आ जाता है, एक पता नहीं क्या हो रहा है यार इस गेम के अंदर, या ये के प्लेयर ने जान के डाला है कि ऐड आने से पहले बता रहे हैं कि ऐड आ गया, और हमेशा हर 2 सेकंड बाद ऐड आ जाता है पता नहीं, तो नेट बंद करके ही खेलना पड़ता है, वरना तुम खेल ही नहीं पाओगे इस गेम को लिटरली। अब हम जल्दी से इसे लगाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर वालों को बुलाते हैं, यस हमारी एंडिंग होने वाली है फाइनली। यहाँ पे लगाओ जल्दी से,
अब हम कम्युनिकेशन करेंगे क्योंकि एंड्रयू के बस की बात कुछ है ये सारा काम हम करेंगे और उस एंड्रयू को लेके ही नहीं जाएंगे। ओके हमें क्या चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेड। ओके मुझे पता है कहाँ पर ये वहाँ पे होने आ रही है हमारी मेन बिल्डिंग के अंदर। हाँ यहाँ पे ऊपर हमारा यहाँ पे। हाँ मैंने यहाँ पे जब आया था ना एक बार देखा था लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ मिला ही नहीं था लॉल। तो हमें ये वाली हेड चाहिए होगी और हमें ये किसे देनी है एंड्रयू को। ओके तो ये हेड लेकर अच्छा वो जो दिखाया था वो हेड लेके थोड़ा स्वैग दिखाएगा अपना। ओके ओके हमने से हेड दे चुकी है और ये क्या हो रखा है स्पेक्ट्रल भाई स्ट्रेंथ भाई क्या भाई मैजिक वैजिक क्या हो रहा है इस गेम के अंदर। एंड्रयू आ गया पम ओ भाई देख रहे हो एंड्रयू को बेइज्जती सही मार दी मैंने। ओ भाई ओ फो भाई एंड्रयू भी लाइक भाई मेरी बेइज्जती काटोगे तुम ले देखो ऐसे थोड़ा ना पुलिस वालों भाई भाई हीरो बन गया एंड्रयू तो भाई इस हेड को पहन के भाई हेड ले लेते हैं ना भाई तू एक इतने पैसे नहीं थे खरीदने के। ओके हमें यहाँ से निकलना होगा। ओके हमें तो अपना भाई उसने सारा काम करा मैंने सारा काम करा है और मुझे ऊपर जाना है बस है ना। एंड्रयू देखो यहाँ पे खड़ा हुआ कह रहा कोई भी आएगा ना तो उसे भाई हेड क्यों नहीं पहनने के एंड्रयू तूने अपनी हेड पहन ली। ओके लॉजिक गाइस लॉजिक कभी काम नहीं करता गेम में। ओके तो यहाँ पे सब चेंज हो रहे हैं जैसे हम ऊपर लेके आएंगे वैसे चेंज हो जाएंगे बिकॉज लॉजिक गाइस गाइस गेम लॉजिक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ये ऊपर आ गए चेंज क्यों हुआ नीचे क्यों नहीं चेंज हुआ कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ये। ओके सब यहाँ पे हम रोएंगे रेबेका ने सबको बचा लिया अभी यहाँ से लिखेंगे भाई कुछ ट्विस्ट लाओ ना एंडिंग में बिल्कुल यार। लेकिन यार वो एपिक एंडिंग जो हमारी इवलन के अंदर थी उसके कंपैरिजन में ये एंडिंग कुछ नहीं है भाई सच में वो अलग एंडिंग थी अलग एंडिंग है उसमें असली में रोना आ रहा था इसमें जान के रोना पड़ रहा है। ओके हम यहाँ से लिख लेंगे और एंड्रयू अपना फिर से स्वैग दिखाएगा आ जाओ जल्दी से चलो एक आगे दो आगे बच्चे कितने बच्चे थे तीन चार। ओके और तो कोई नहीं आ रहा अच्छा ये भी आ रहा भाई तू पहले अपनी सीरट मुँह से निकाल ले उसका। ओके रेबेका भी आ चुकी है। ओके भाई रेबेका को हाथ वाथ सब देगा भाई और किसी को नहीं दिया भाई गलत बात है ब्रो गलत बात है डिस्क्रिमिनेशन। ओके ये दो भाई चुरा के लिया ये कुछ तो गड़बड़ है हमारी कुछ तो एंडिंग होने वाली और यहाँ से निकल चुके हैं भाई फाइनली जैसे हम एपिक एस्केप में बच्चों को जाके निकले थे हम निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर से निकले और यहाँ पे कुछ इमोशनल वाली फीलिंग नहीं आ रही और ये दोनों आ चुके हैं ये आ गया और ये बता रहा है कि भाई तू बहुत पागल था मैंने तो अपना सारा काम करा। ओके और ये बता रहा है रेबेका इज वेरी स्मार्ट आप नीचे सब टाइटल पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो मैंने मत पढ़ो नो ऑफेंस। या द गर्ल इज प्रीटी स्मार्ट हां भाई अब अपनी तारीफ तो करेगा भाई हर बात पर। ओके अब हंसे भाई हंसने में कितना बुरा लग रहा है ये ना कि दांत वात कुछ है नहीं किसी ने तोड़ वोड़ दिए मार मार के। ओके रेनफोर्समेंट आ रही होगी तो ये कुछ करने वाले हैं वैसे मीडिया भी से कुछ प्लान बताएगा। ओके पैक अप थिंग्स एंड बिजनेस टू प्लेस वेयर द टिक स्टॉप। ओके ये मतलब यहाँ पे इन्हें कुछ और हरकतें कर रखी है मतलब यहाँ पे कुछ चीजें पकड़ ही नहीं पाती और यहाँ से अभी भी हमने मिस्टर मीट का हमने हटाया नहीं है राज यहाँ पे मिस्टर मीट का राज अभी भी चल रहा है और यहाँ पे अगर आ भी जाएंगे तो कुछ होने ही नहीं वाला तो बोला अभी भी ये गेम खत्म नहीं हुआ इसका मिस्टर मीट ट्री पक्का आएगा और मिस्टर मीट अभी भी कंट्रोल कर रहा है प्रिजन को। तो गाइस यही थी वीडियो अगर आपको